वेलकम बैक टू वन यू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो देखो मैं क्या कर, मेरे पास ये छल्ले, बाप रे ये भयंकर वाले छल्ले मेरे पीठ की हड्डी को तोड़ने में लगे हैं, इतनी तेज चुभ रही है। और देखो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सोया चाप, सोया चाप की सब्जी बना रही हूँ मस्त वाली। तो पहले मैंने इसे क्या करा है, उबाल लिया है, उबाल के उसके स्टिक्स, हाँ इसकी स्टिक को अलग कर दी हूँ। अलग कर करके मैं फिर इसे कट कर ली हूँ, कट करके मैं तेल में इसे फ्राई कर रही हूँ। हाँ बोलो, जाओ खेलो, थक गई है घूम घूम के। देखो मेरी बेटी कैसे परी हुई है, कैसे परी है, क्या हुआ है? अरे ये परी को देखो, ये वो परी है, तैयारी वाली परी है। क्या हुआ है मेरी लाडो? ज्यादा धूप थी, जा खेलो। दे दी किसको? दी दादी को। हाँ नहीं, हाँ फ्राई कर ली। और ये देखो मसाले में तैयार करी हूँ, इसमें डाली हूँ सारे मसाले, भुना हुआ प्याज डाली। बाप रे गाड़ी है, मलवा आ रहा है किसी का। देखो हमारे गली में इतने काम चल रहे हैं, घर का लोगों का रेनोवेशन का काम चल रहा है, नए नए प्लॉट बन रहे हैं, क्या ही बताया जाए। भुना हुआ प्याज डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, अदरक डाली हूँ, धनिया डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ, और गरम मसाला, सौंफ का पाउडर, काली मिर्च और जीरा, बस यही पाउडर, जो रेगुलर घर के मसाले होते हैं उन्हीं से मैं मस्त वाली सोया चाप बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये फ्राई हो गया, अब इसको निकाल लूँगी। चलो फ्राई अच्छे से हो गया, गोल्डन फ्राई आपको दिख पा रहा है। और अब मसाले फ्राई करूँगी, मैं दिखाती हूँ आपको सब कुछ। देखो अब इसमें मैं डाल दी, बढ़िया मस्त हो रहा है। जीरा का बस तड़का डाले थे, ज़्यादा सिंपल ही बना रही हूँ, बहुत सिंपल खाना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर में वो चीज़ें एडजस्ट भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को खाने से नुकसान है। और ये देखो ये लटकन, ये मुझे दुखी कर रखा है, बार बार आ करके ऐसे पीठ पर चिपकेगा, जन पूछो मत। ये देखो मसाले सले हो गए फ्राई, ये देखो कहीं कोई चिपक उपक नहीं रहा है, बच्चे से हो गया तैयार। अब इसमें मैं डालूँगी चाप को, चाप इसमें डाल दी। अब इसको थोड़ा अच्छे से चला लूँगी, जो डेली के आपके घर के मसाले हैं उन्हीं मसालों से ये आप इसका स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबको खिलाओ। ये नॉनवेज है, वेजिटेरियन वालों का नॉनवेज है, मुर्गा है ये, जो शाकाहारी खाते हैं उसके लिए। ये कितना मस्त टीका लग रहा है, थोड़ा देर इसको फ्राई कर लूँ, उसके बाद फिर फिनिश हो जाएगा, पानी वानी डाल के तैयार कर लूंगी और टेस्ट में बता। कंप्लीट कर ली, देखो उबलने नहीं लगा, इसमें पानी डाल दी और थोड़ा सा मेथी, कस्तूरी मेथी डाली। अब ये अच्छे से उबल जाए और थोड़ा ये बढ़िया थिक भी हो जाए, इतना ग्रेवी नहीं रखूंगी, थोड़ा कम रखूंगी। पर एक बार ये अच्छे से पहले मसाले पक जाए, उसके बाद माँ 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 गाय की तरह रंभाने लगती है, इतनी तेज गुस्सा आता है इस पे सच्ची। ऐसे पागलों की तरह कौन चीखता है? मैं पे है मामा, मेरे बैंगल्स कहाँ? बोलने का ये कौन सा ड्रामा है गाइस? इस तरह से कौन मैं माँ बोल रही है, मामा बोल रही है, मामा मामा, ये देख लो। हेलो बाइट ना, हेलो गाइस, आज अभी होली रात नाइट और मैंने बनाया है रात को बहुत दो सिंपल से काम। एक बार यानी कि कोई सभी एक रबड़ लेगा, यानी कि आपका फेवरेट कोई सभी एक रबड़ ले लो, जो मेरा था वो तो नहीं है, ब्लू ही मैंने कर लिया। तो मैंने फिर उसके बाद ना एक जो है यानी कि भगवान जी को आप कुछ ज्वेलरीज पहनाते हो तो उसका कोई कोई एक पार्ट टूट जाता है, कोई झुमके का पार्ट टूट जाता है, तो मैंने उसको यानी कि इसके अंदर था होली को धोल मतलब धागा फंसा के इसके ऊपर गांठ लगा, इनके ऐसे बांध लिया, गांठ लगा दी। देखो कितना प्यारा लगा, ऐसा लगा ब्रेसलेट है। तो इनकी फिर उसके बाद आपको करना है कहीं से भी लाओ पटला हो जाए, अगर आपको बनाना हो, ये देखिए देख फालतू का ही बस हो गए, ठीक है। तो देखो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट। अगर आप भी ऐसे छोटी बनकर के रखोगे ना, मैंने अभी शैम्पू कंडीशनर लगा के नहाया था, ऐसे रखोगे ना तो आपके भी मोटे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, पर दर्द हुआ झाड़ने पर, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप कंडीशनर लगाइए। तो धन्यवाद आप लोगों का, मुझे सच सच प्रणाम।
हेलो गाइस, चाय पी लो। यहाँ देखो इनके कारनामे, देखो नथु लाल के कारनामे। तो एक लड़का होता है जो कि क्या ही कहा जाए, आ जाओ एप्पल खाते हैं। एप्पल का लोगो है, मैं आपको एप्पल का फोन दिलाऊंगा। ये है ना एप्पल का लोगो। यहाँ देखो पीयू मेरी क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है और फ्रूटी पीवाई कर रही है। एप्पल का लोगो देखो, एप्पल का लोगो गाइस। ये फ्रूटी पी रही है और ये देखो ये पढ़ाई कर रही है। टू मेरी बड़ी अच्छी बच्ची है ये। हे गाइस, क्या हाल है आपका? बहुत रात हो गया, अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है साहब का, आए नहीं। इवन 12 बजे तक मुझे इंतजार करना होगा। मेरी बिट्टू दूध पी रही है, वो भी हेल्दी दूध। कैसा लग रहा है? अच्छी बच्ची की यही पहचान, दूध में हल्दी, दूध रोज पीना। और बहुत ज्यादा डाल दिया देखो। नहीं बढ़िया है, बढ़िया। बहुत सोच समझने के बाद मन थोड़ा देर शांत हुआ, क्योंकि बहुत उलझने हो रही थी एकदम दिन से, इतनी ज्यादा परेशान हो रहा था मन, क्या ही बताओ। काश कि मैं थोड़ा और पढ़ी लिखी होती, अगर मैं थोड़ा और पढ़ी लिखी होती तो मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत सपोर्ट करती, मैं उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ उनके लिए। और मैं बैठ के सिर्फ खा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी टाइम अपना जी रही हूँ मैं सिर्फ उसको बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ फाइनेंशियली। और उनको बहुत ज़्यादा अभी हर चीज़ की ज़रूरत है। अब समझ में आता है कि एक अच्छे घर में जन्म लेना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे परवरिश। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ज़्यादा, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो मतलब आप बोझ हो जाते हो। आप बोझ बन के क्या ही है, खा रही हूँ बस, वो भी बीमार शरीर के साथ, जो हर महीने कम से कम 2000 रुपये की दवाई खाती है, वैसा वाला शरीर के साथ। जो काम करने वाली औरतें होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि शौक से ही करती है, मजबूरी भी होता है, बहुत शौक से भी करती हैं क्योंकि वो उनके अंदर वो टैलेंट है। औरतें ये सब करना नहीं चाहती है, पर बच्चों की परवरिश और घर की परेशानी और मजबूरी उनको सब कुछ कराने पे मजबूर कर देती है। और बहुत सी वुमेंस हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करती हैं या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए करती हैं, क्योंकि वो हैं उस लायक, तो उनको करना अच्छा भी लगता है और चाहिए भी। तो उन लोग को देख के मुझे भी लगता है कि काश कि मैं भी थोड़ा और होती जो मैं कह नहीं पा रही हूँ वैसा वाला। लेकिन अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ भगवान से। हे भगवान जी, अगले जन्म मुझे लड़की बना के मत भेजना, वो भी यूजलेस। कभी कभी सच में ऐसा ही लगता है कि ये जो समय मैं बिता रही हूँ ये यूजलेस टाइम है। इस टाइम को मैं अच्छे से तब कर पाती जब मैं थोड़ा और कुछ होती, घर बैठे बस खाने का काम है। चलो पतिदेव तो बहुत रात को आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंगेज हैं काम में, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर है, हद से ज़्यादा जिम्मेदारी है, और करने वाले वो सिर्फ अकेले हैं। तो मैं उनके बारे में क्या उनको बोलूं, और उनको मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, बस इंतज़ार उनके आने का, खा लेने का बस। फिर सुबह उठता है, नहाते धोते हैं, फिर निकल लेते हैं अपने काम की ओर। तो यही सोच सोच के, देख देख के मुझे लगता है काश मैं उनको थोड़ा भी सपोर्ट कर पाती, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ, बोझ हूँ बस। तो मैं यहीं पे अपनी ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। गाइस मैं आपको बात बताने वाला हूँ, गाइस मेरे कान ऑन करो गाइस। देखो गाइस, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।